हरी ओम दोस्त, वेलकम बैक टू निंजा एसपीवी चैनल। आई एम सौरभ विश्वकर्मा एंड यू आर गोइंग टू वॉच अ न्यू एपिसोड रिलेटेड टू द पाइथन। तो हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं एक नया एपिसोड पाइथन में, और इस चीज़ में हम एक नया जो देखने वाले हैं वो होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम क्लास का सिर्फ यूज़ करेंगे, शॉर्ट वीडियो होगा, इट विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो। तो स्टार्ट कर दे, चलिए। सो दिस इज़ अ फंक्शन, तो ये एक फंक्शन है, पर मुझे अभी परिवर्तित करना है इसे क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। सो यहाँ पर लिखूँगा मैं सी ट्रांसफॉर्म, और सी ट्रांसफॉर्म लिखने के बाद एक कोलन, जो इसका सिंटैक्स है क्लास का, और 1 2 3 4 इंडेंटेशन स्पेस, 1 2 3 4 इंडेंटेशन स्पेस, 1 2 3 4 इंडेंटेशन स्पेस। अभी ये मेथड को मैं नीचे लेकर जाऊँगा, क्योंकि इस चीज़ को मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाना है मुझे। तो इसे मैं क्या करूँगा, ओबीजे, और इसके बाद यहाँ पर क्लास, क्लास के बाद यहाँ पर एक इंस्टेंस। तो इसे हम इंस्टेंशिएशन ऑफ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास बोलते हैं। तो ये इंस्टेंशिएशन हुआ इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हुआ इंस्टेंस, यानी कि क्या, कॉपी ऑफ क्लास। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को यूज़ करूँगा मैं, और इस मेथड को मैं कॉल करूँगा यहाँ पर। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर सेल्फ होना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो हमारा आउटकम आ जाएगा। सो मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है कोड को, आप देख सकते हो कि मैंने क्लास बनाया, और जो हमारा पहले लास्ट एपिसोड का फंक्शन था उसी को मैंने यहाँ पर यूज़ किया, और यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यूज़ किया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना दिया क्लास का, और उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करके मैंने ये फंक्शन को कॉल किया, और यहाँ पर वैल्यूज जो है एज अ पैरामीटर पास कर दिए। तो हमें अभी आउटपुट देखना है, आउटपुट आ गया। फिर से आपको बता दूँ, मैंने क्लास बनाया, उसके अंदर फंक्शन लिखे, मैंने कंस्ट्रक्टर को बनाया नहीं है, सिर्फ मैंने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एज अ सेल्फ करके रखा है, क्योंकि मुझे अभी कुछ कंस्ट्रक्टर में पास नहीं करना है। नहीं तो मैं यहाँ पर पैरामीटर यानी कि वैल्यू कुछ तो पास करता था, पर मुझे वो करना नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया कि ये मेथड में यानी कि फंक्शन में ही मैंने वैल्यू पास कर दिए, पर ऑब्जेक्ट का यूज़ करके मैंने इस मेथड को कॉल किया है, यानी कि एक्सेस कर दिया है विद द हेल्प ऑफ कॉन्कैट ऑपरेटर। और ये यहाँ पर हमें आउटपुट मिला 60, 10 प्लस 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 60। तो फिर से अगर आपको कुछ और वैल्यूज़ देखने हैं तो ये भी देख सकते हो, कि आउटपुट बराबर आ रहा है कि नहीं। तो इतना है, और अगर मैं और बढ़ा दूँ अब देखते हैं उतना ही होता है कि नहीं, 150, 90, 40 तो होना चाहिए उतना ही, 280, तो 280 ही आंसर मिला हमें, तो ये राइट है। सो दोस्तों, मिलते हैं आगे वीडियोस में। सो दिस इज़ द वीडियो विच वाज इम्पॉर्टेंट इन ट्रांसफॉर्मिंग द पीस ऑफ कोड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो हमने सबसे पहले देखा लैम्बडा, लैम्बडा को बाद में हमने ट्रांसफॉर्म किया एक फंक्शन में, और फंक्शन को बाद में हमने ट्रांसफॉर्म किया एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट यानी कि क्लास ऑब्जेक्ट में। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप बने रहो दोस्तों, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, एंड मिलते हैं आगे वीडियोस में। हरिओम।